भाई चंद्रयान की इस समय की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि चंद्रयान का आज विक्रम लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल दोनों आज अलग हो गए हैं भाई। दोनों को आज अलग कर दिया गया इसरो के द्वारा, जो कि भाई ये काफी चुनौती भरा काम था। अगर भाई इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो भाई ये अलग नहीं होते, डेस्ट्रॉय होने की भी संभावना थी। और 16 अगस्त के दिन चंद्रयान अपने सारे ऑर्बिट मैनुअल पूरे कंप्लीट कर चुका है और वो अपने लास्ट ऑर्बिट लास्ट कक्षा में एंटर कर चुका है, जिससे भाई अब सिर्फ चांद की तरफ को ही जाएगा। और कल 16 अगस्त को इसका भाई थोड़ी देर के लिए लगभग 5 मिनट के लिए इंजन ऑन करा गया था, क्योंकि भाई इसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी। और ये भाई पांचवी बार अब तक का कुल मिलाकर पांचवी बार अब इंजन ऑन हुआ था और वो लास्ट बार था कल 16 अगस्त को। और अनुमान भाई ये लगाया जा रहा है कि 23 अगस्त 30 अगस्त को चंद्रयान फाइनली साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा और ये भाई भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित होगी, क्योंकि भाई आज तक का किसी भी कंट्री का यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। और सब में बड़ी बात भाई चंद्रयान की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की भी जानकारी लेता हुआ गया है। कंपेयर करें तो भाई लूना 25 भाई सीधा गया था, उसने इतनी जानकारी इकट्ठा नहीं करी थी। लूना 25 जो है वो एक रशिया का यान है, 25 भी वैसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही जा रहा है, पर लेकिन भाई हमारा चंद्रयान उससे पहले पहुंच जाएगा। हर एक मिनट भाई हमारे पूरे देश के लिए अब खतरे से भरा साबित है, क्योंकि भाई चंद्रयान में भाई थोड़ी सी भी गलती तो वो सॉफ्टली लैंड होने की आशंका उसकी कम हो जाएगी। अभी तक का तो भाई सब कुछ सेफ है एंड ऐसे ही अगर चलता रहा तो सेफली वो लैंड कर जाएगा। अब देखते हैं भाई आगे क्या था।